Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 9 and this one is from our book An Alien Hat. Name of our topic is A Tiger in the House. देखो हमने फॉरेस्ट में टाइगर को सुना है कि जंगल में जो है टाइगर रहते हैं, जू में देखा है टाइगर को, बट कभी हमने हाउस में कि घर में कोई शेर पालता है एज ए पैट के रूप में शेर, तो ए टाइगर इन द हाउस, घर में शेर. घर में शेर अब कौन रखता है बेटा? देखो एक जो हमारे राइटर हैं उनका ये एक्सपीरियंस है. उनके जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो एक लॉयन को, एक टाइगर को, शेर को जो है टाइगर कब को लेकर आते हैं, छोटे से को, और उसको पालते हैं घर में. उसके बाद वो आफ्टर सम टाइम उसको जू में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर उससे मिलने जाते हैं, और किस तरह से क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, ऑल दीज इंसिडेंट्स वी विल रीड इन दिस स्टोरी. सो लाइन टू लाइन आई विल एक्सप्लेन टू यू, रीड इट विद मी केयरफुली. ग्रैंडफादर फाइंड्स ए टाइनी टाइगर कब. ग्रैंडफादर को मिला एक टाइनी, बहुत ही छोटा टाइगर का कब फॉरेस्ट में, जंगल के अंदर, और उसे घर लेकर आ जाता है वो. उसका नाम जो है बेटा टिमोथी रखा जाता है. टिमोथी किसका नाम है? टाइगर का नेम जो है वो टिमोथी है, और उसे बच्चे की तरह, ह्यूमन चाइल्ड के बच्चे की तरह से पाला जाता है. टिमोथी बहुत ही प्लेफुल है, नॉटी है, और उसके कंपेनियन हैं, साथी हैं, टोटो है, एक मंकी है और एक पप्पी है, और बहुत ही जो और अदर मेंबर्स हैं हाउस के अंदर वो उसके कंपेनियन हैं, साथी हैं. टिमोथी द टाइगर कब. टिमोथी कौन है, टाइगर कब है, और उसकी खोज किसने की, डिस्कवर किसने किया? बाय ग्रैंडफादर, उसके दादा ने, इन तराई जंगल नियर देहरा. देहरा के पास तराई जंगल में दादाजी के द्वारा टाइगर कब की खोज की गई. वहाँ मीन्स दादाजी को टिमोथी मिला. एक दिन, अब यहाँ से हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है बेटा. वन डे वेन ग्रैंड फादर स्ट्रोलिंग डाउन, घूम रहे थे जंगल के रास्तों के ऊपर, फॉरेस्ट पाथ के ऊपर, कुछ ही दूरी पर जो है अपनी पार्टी से, मीन्स दो अदर मेंबर्स थे वो बेटा शिकार करना पसंद करते थे, जंगलों में जाते थे, तो और भी उनके कंपेनियन वहाँ थे, साथी वहाँ थे, तो उन्हें एक लिटिल टाइगर दिखाई देता है 18 इंच लंबा. उसकी लंबाई कितनी है? 18 इंच है, और हाइडिंग छिपा हुआ है इंट्रिकेट रूट्स, उलझी हुई जड़ों में, बैनियन ट्री की उलझी हुई जड़ों में वो छुपा हुआ है. ग्रैंडफादर उसे पिक करते हैं, उठाते हैं, एंड ब्रॉट हिम होम, उसे घर लेकर आ जाते हैं. ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी. वही घर पार्टी के एक ऐसे मेंबर थे, मींस और भी जो मेंबर्स थे जो मिलकर जो प्रे करते थे, शिकार करते थे, उनमें वो बहुत ही ज़्यादा, और मीन्स आप ये कह सकते हैं टैलेंटेड थे. चाहे किसी डेड को या किसी भी अलाइव को, ह्यूमन बीइंग में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थे. किसी के अभी शिकार करना हो उसके लिए वो ज़्यादा माहिर थे. एट फर्स्ट द टाइगर कब, सबसे पहले तो वो टाइगर कब जिसका नाम उन्होंने लेकर घर लेकर आते हैं, उसका नेम जो है बेटा टिमोथी रखा गया बाई ग्रैंड मदर. किसने रखा नाम? ग्रैंड मदर ने. ग्रैंड फादर लेकर आते हैं, ग्रैंड मदर उसका नाम रखती हैं, और उसे ब्रॉट अप, उसे पाला जाता है टोटली मिल्क के ऊपर, उसे फीड करवाया जाता है बोतल से बाई आर कुक. कुक का नाम है बेटा महमूद. कुक महमूद के द्वारा बोतल में दूध डालकर उसे पिलाकर पाला जाता है. बट द मिल्क प्रूव टू रिच, बहुत ज़्यादा रिच, उसे हैवी डाइट महसूस होता है, और ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ, उसको रॉ मटन दिया जाता है, कच्चा मटन दिया जाता है, कोड लीवर ऑयल दिया जाता है, टू बी फॉलोड लेटर, और बाद में जो है बाई मोर टेम्पटिंग डाइट, बहुत ही और ज़्यादा अच्छी लगने वाला डिलीशियस जो है खाना उसे दिया जाता है, और उस डाइट में पिजन को और रैबिट्स को इंक्लूड किया जाता है. टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद टू वॉज, उसको दो कंपेनियंस प्रोवाइड होते हैं, दो साथी होते हैं. टोटो एक मंकी है बेटा, नेम ऑफ मंकी है, एंड हु वॉज बोल्ड एनफ, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पुल करता है यंग टाइगर को बाई द टेल, उसकी टेल से उसे पुल करता है, और टेल को पुल करने के बाद वो क्लाइंब अप हो जाता है कर्टेन्स के ऊपर, पर्दों के ऊपर चढ़ जाता है.
इफ़ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और अगर टिमोथी अपना टेम्पर लॉस्ट करता है, इट मीन्स जब उसे गुस्सा आता है तो वह कर्टेन्स के ऊपर चढ़ जाता है। एक बहुत ही छोटा जो है पप्पी भी है और फाउंड ऑन द रोड, रोड के ऊपर मिला है ग्रैंडफादर को, और उसको भी वो एज ए कंपेनियन साथी के रूप में जो टाइगर के साथ है। एट फर्स्ट टिमोथी, सबसे पहले तो जो टिमोथी है वो अपीयर्ड टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पप्पी, बहुत ज़्यादा डरता है टिमोथी जो है वो पप्पी से डरता है देखो, और डार्टेड बैक विद ए स्प्रिंग, और उसे देखकर घबराकर जो है पीछे जंप कर जाता है जब भी वो नज़दीक आता है। ही वुड मेक अ शॉर्ट डैशेज एज इट विद हिज लार्ज फॉर पाज, इट मीन्स बेटा जब वो नज़दीक आता है तो वह अपने पंजों से उसके ऊपर थोड़ा अटैक करने की कोशिश करता है, और फिर रिट्रीट, रिट्रीट होता है बेटा बैक, वापस चला जाता है और अपने आप को सेफ महसूस करता है, सेफ डिस्टेंस पर, सेफ दूरी पर वापस चला जाता है। फाइनली ही अलाउड द पप्पी, और एट लास्ट उन दोनों के अंदर बीच में जो है दोस्ती हो जाती है, और जो टाइगर है वो अलाउ करता है पप्पी को कि वो उसकी बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर क्रैवल कर सकता है, इधर उधर घूम सकता है और रेस्ट भी वहाँ कर सकता है। वन ऑफ द टिमोथीज, एक टिमोथी की सबसे ज़्यादा जो फेवरेट जो टास्क था वो क्या था बेटा, वॉज टू स्टॉक एनी वन हु वुड प्ले विद हिम, कि जो भी उसके साथ खेलता था उसके पीछे जो है अकड़ कर वो चलता था। व्हेन आई केम टू लिव, जब राइटर कहता है कि जब मैं अपने दादाजी के साथ पास रहने के लिए आया तो आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, तो मैं भी टाइगर का फेवरेट बन गया था। विद ए क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, तो वह बहुत ही ज़्यादा ललचाई हुई आँखों से मुझे देखता, चमकती हुई आँखों से मुझे देखता, एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, और अपनी बॉडी को जो है दुबक लेता, एंड ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, और वह रेंग कर जो है वो मेरे नज़दीक नज़दीक आता, और सडनली जो है अचानक से मेकिंग ए डैश फॉर, और वो जो है मेरे पैरों को पकड़ता, उनको जो है टच करता, रोलिंग ओवर हिज बैक, और अपनी बैक को के ऊपर खुद ही रोल करता, एंड किकिंग विद, और जब मैं उसे खुशी से, डिलाइट से, हैप्पीनेस से किक करता तो वो प्रिटेंड करता, दिखावा करता मेरे एंकल्स को खाने का, टू बाइट माई एंकल्स। ही वॉज बाई दिस टाइम, इस समय तक जो है वो क्या हो गया बेटा, छोटा बेबी था पहले, अब वो ग्रोन अप हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, और अब जो है उसे, ही टुक हिम आउट फॉर वॉक, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अप अस ए वाइड बर्थ, इट मीन्स बेटा उसको अब बाहर लेकर जाना, और अब जो है उसे रिस्क महसूस होने लगा था उन्हें, अब लोग जो है रोड पर देख कर उसे जो है बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन ही चेन, आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, जब वो चेन को हार्ड पुल करता, चेन को खींचता, तो उसके लिए उसको होल्ड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। उसका जो फेवरेट प्लेस था बेटा वो क्या था, वॉज ड्राइंग रूम था, एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ, और वह क्या करता, ही वुड मेक हिम कम्फर्टेबल रहता ऑन द लॉन्ग सोफ़ा के ऊपर, रेक्लाइंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, और महान शान से उनके ऊपर सो जाता, और खर्राटे भरता एट एनीबॉडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ, और स्नार्लिंग करता, इट मीन्स गुर्राता, जो भी उसे टच करता, उसे कोशिश करता उसे परेशान करने की, तो उसकी साइड वह गुर्राने लग जाता। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट, उसकी बहुत सारी अच्छी हैबिटें थी, ही वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज, वह जो है अपने चेहरे को बिल्ली की तरह से अपने पंजों से स्क्रब करता था, उसको खरोंचता था। ही स्लेप्ट एट नाइट, रात में सोता था कुक के क्वार्टर के अंदर, एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड, हमेशा खुश होता था एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और जब कुक उसे सुबह बाहर लेकर आता था तो वह बहुत ज़्यादा खुश होता था। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं बेटा। ऑफ कोर्स, वास्तव में क्या होता है, इट केम टू दैट, बट व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 month old ए चेंज कम, ये लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मे बी वी लेफ्ट वन पैराग्राफ, यस बेटा इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर।
एज टिमोथी ग्रोज अप, टिमोथी बड़ा हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा टिमोथी एज ग्रोन अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ही बिकम्स लेस फ्रेंडली, और बहुत ही ज़्यादा लेस जो है फ्रेंडली है। एज टिमोथी ग्रोज अप, टिमोथी बड़ा हो जाता है और अब कम फ्रेंडली कम है और डेंजरस ज़्यादा होता जा रहा है, ख़तरनाक ज़्यादा होता जा रहा है। ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि उसको जो है टाइगर को जू में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। 6 मंथ लेटर, 6 महीने के बाद ग्रैंडफादर जो हैं टिमोथी के पास विजिट करने जाते हैं, वहाँ शिफ्ट करने के बाद, और टिमोथी बहुत हैप्पी होता है ग्रैंडफादर को देखकर, और इज ही क्या वह है, क्या टिमोथी ही है जिससे जो हैं दादाजी मिलकर आते हैं। वन ऑफ दीज डेज जो है डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर प्रोफेटिक मैनर, अपने प्रोफेटिक मैनर में दादी जी जो हैं उनकी ग्रैंड मदर हैं वो भविष्यवाणी करती हैं, मीन्स एक मजाक के रूप में हम कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू फाइंड, हम पाएंगे कि टिमोथी महमूद, क्योंकि वो महमूद कुक के रूम में सोता था, महमूद के बेड पर बैठा हुआ मिलेगा और कुक के पास के जो कपड़े और शूज़ के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। इट मीन्स दादी जी कह रही थी कि एक ना एक दिन अब ये महमूद को खा जाएगा, क्योंकि वो महमूद के पास ही सोता है। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन टिमोथी जो है अभी 6 मंथ्स का हो चुका था और उसमें बहुत ज़्यादा चेंज केम ओवर हिम, उसके अंदर आ रहे थे। ही ग्रू स्टीडीली, वह धीरे धीरे जो है वो लेस फ्रेंडली हो रहा था, मित्र उसका दोस्ताना व्यवहार कम हो रहा था। When out for a walk with me, जब वह वॉक पर जाता, he would try to steal away, और वह स्टील करने की कोशिश करता, चोरी छुप के कैट के पीछे और जो पैट डॉग हैं उनके पीछे, दुब के पाँव से पीछे उनके जाने की कोशिश करता। Sometimes at night, रात में भी वह जो है पोलिट्री हाउस के अंदर, इट मीन्स छोटे छोटे चिक्स के ऊपर अटैक करता, उनकी कैकलिंग साउंड आती, इट मीन्स वह वहाँ भी विजिट करता और वहाँ भी उनको खा जाता। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह जब हम देखते तो कहता है कि फैदर्स, उसकी जो पंखे हैं, जो चिक्स थे उनकी पंखे जो हैं नहीं, वो इधर उधर वरेंडा में मिलती थी। टिमोथी हैड टू बी चेंज अप, टिमोथी को चेन से बांधा जाता था मोर ऑफन प्राय, एंड फाइनली जो है वो महमूद बिगेन टू स्टॉक महमूद, लास्ट में उसने घर में महमूद के पीछे जो है लाइक ए विलेनियस, विलेन की तरह, इट मीन्स बेटा बहुत ही क्रूरता से अकड़ कर चलना शुरू किया। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब ये समय आ गया है, इट वॉज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू ए जू, एक जू में ट्रांसफ़र करने का समय अब आ गया है। रिजर्विंग एट फर्स्ट, उसको रिजर्व किया गया बेटा कंपार्टमेंट, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, लेकिन टिमोथी के साथ दादाजी का और टिमोथी के लिए, लेकिन कोई भी उस कंपार्टमेंट को शेयर करने के लिए खुश नहीं था। ग्रैंडफादर जो है लखनऊ पहुंच जाते हैं और लखनऊ में जाकर जू अथॉरिटीज़ को वो जो हमारा टाइगर है उसको एज ए गिफ्ट के रूप में भेंट कर देते हैं, और वो बहुत ग्लैड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं टू रिसीव करके ऐसा, मतलब अच्छा गिफ्ट, वेल फेड, को बहुत अच्छे से खिलाया गया हो, और फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर, और बहुत ही सभ्य आरामदायक जो इंसानों में रहा हो ऐसा सभ्य टाइगर पाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। अबाउट 6 मंथ लेटर, और 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद क्या होता है, व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो एक लखनऊ में विजिट करने जाते हैं एक रिलेटिव के घर, तो ग्रैंड फादर जो हैं टुक अपॉर्चुनिटी, उन्हें एक मौका मिल जाता है जू में जाने का और टिमोथी को देखने का कि वो किस तरह से बड़ा हो रहा है। आई वॉज नॉट देयर, और राइटर कहता है कि मैं वहाँ कंपनी नहीं थी, इट मीन्स मैं वहाँ उनके साथ नहीं था, लेकिन जब दादाजी देहरा आए, वापस आए, रिटर्न टू देहरा, तो सब चीज़ें मुझे सुनने को मिली, आई हर्ड ऑल अबाउट इट, मुझे ये पूरी कहानी सुनने को मिली। जू में पहुँचने के बाद ग्रैंडफादर जो है वो सीधे पर्टिकुलर उसी केज पर जाते हैं, उसी पिंजरे पर जाते हैं जहाँ टिमोथी को रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर, टाइगर वहाँ था, एक कॉर्नर के अंदर दुबका हुआ था, फुल ग्रोन, पूरा बड़ा हो गया था,
और एक बहुत ही मैग्निफिशियंट स्ट्रिप्ट कोट। स्ट्रिप्ट कोट मीन्स बेटा धारीदार कोट पहना हुआ था। इट मीन्स उसकी होल बॉडी के ऊपर जो है स्ट्रिप्स बहुत अच्छे से दिखाई दे रही थी। दादाजी उसे हेलो टिमोथी कहते हैं और अपनी आर्म्स को जो है बार ऑफ द केज, पिंजरे की बार के अंदर से वो अपने हाथों को डाल देते हैं। टाइगर अप्रोच करता है, टाइगर बार की तरफ बढ़ता है और दादाजी को अलाउ करता है बोथ हैंड से कि वो अराउंड हिज हेड, अपने जो हेड है उसके चारों तरफ करे। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फोरहेड, स्ट्रोक करते हैं, ग्रैंडफादर जो हैं टाइगर के माथे को सहलाते हैं और उसे के ईयर पर टिकल करते हैं, और जब वह ग्रोवल करता है, गुर्राता है, तो धीरे से उसके मुंह पर, माउथ के ऊपर जो है स्मैक भी कर देते हैं, अटैक भी कर देते हैं। विच वॉज हिज ओल्ड वे, ये उसका पुराना तरीका था कि उसे अपने टिमोथी को चुप करने का, जब वो गुर्राता था तो उसे दादाजी जो है फेस पर हिट कर देते थे। ही लिक्ड, वो लिक करता है ग्रैंडफादर के हैंड को और जो है ओनली स्प्रैंग अवे वहन है लेपर्ड्स, और पीछे चला जाता है। पास में ही एक और केज है, पिंजरा है, जिसमें लेपर्ड है, चीता है। जब वह उसके अंदर स्नार्ल करता है बेटा, उसकी साइड गुर्राता है, तो वह पीछे चला जाता है। ग्रैंडफादर जो है शूट मीन्स उसको लेपर्ड को डराने की कोशिश करते हैं और टाइगर वापस जो है दादाजी के हैंड को आकर लिक करने लग जाता है, इट मीन्स चाटने लग जाता है। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड, बार बार जो है लेपर्ड उसकी साइड आता है, बार की साइड आता है, और उसे जो है ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, और वह टाइगर जो है वापस अपने कॉर्नर में चला जाता है। ए नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से। रीयूनियन, दोबारा से मिलना, किसका, एक कीपर का और उस टाइगर का मिलना देखकर बहुत सारे लोग जो हैं देखने लग जाते हैं। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि मैं टिमोथी से जो है बात कर रहा हूँ, और जो सभी लोग थे उसे देखकर, नंबर ऑफ पीपल जो हैं वहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको देखकर हैरान रह जाते हैं। और एक जो कीपर है वहाँ पर, वी वरंट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, जो मैंने जू में दिया था 6 months ago, 6 महीने पहले। आई हैवेंट बीन हेयर वेरी लॉन्ग, मैं जो है यहाँ पर बहुत समय से नहीं था। जो कीपर है उसको कहा कि मैं यहाँ समय, जो उसने बताया कि मैं यहाँ पर बहुत समय से नहीं था। और इस ये सब चीज़ें देखकर जो है, जो वो रखवाला जो है कीपर है वो भी सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है। प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, कृपया करके आप अपनी बातचीत को लगातार रखिए। बट आई हैव नेवर सीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, लेकिन बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच, लेकिन मैं अपने इसको टच करने की हिम्मत नहीं रख पाया, क्योंकि ये जो है ये टाइगर है, ही इज़ ऑलवेज़ वेरी बैड टेम्पर, ये हमेशा ही बैड टेम्पर रहा है, इसका बुरा व्यवहार रहा है। वाई डोंट यू पुट हिम सम वेयर एल्स, आप इसको जो है सजेस्ट करता है ग्रैंड फादर जो है उसको, कि ये जो लेपर्ड है इसको फ्राइटेंड करता रहता है, डराता रहता है, आप इसको किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट क्यों नहीं कर देते। आई विल गो एंड सी द सुप्रिटेंडेंट, मैं जाऊँगा और सुप्रिटेंडेंट से बातें कर आऊँगा, इट मीन सुप्रिटेंडेंट को सजेस्ट करूँगा कि वो इसको दूसरी जगह रखें। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंडेंट की सर्च में चला जाता है ग्रैंडफादर जो है ऑफ द जू में, लेकिन वह पाता है कि वह होम अर्ली, वह घर जो है जल्दी चला गया है, जा चुका है। एंड सो आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू, आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर ए लिटल व्हाइल, मीन्स कुछ देर के बाद जो है वह जू में घूमता है कुछ समय के लिए। एंड ही रिटर्न टू टिमोथीज केज, और वह टिमोथी की केज के पास वापस आ जाता है टू से गुड बाय कहने के लिए। इट वॉज़ बिगनिंग टू गेट डार्क, और इस समय जो है अंधेरा होना शुरू हो गया है। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes, वो जो है
उसको सहलाता है टिमोथी के पास, 5 मिनट्स लगाता है, और जब उसी समय जो है दूसरा कीपर आ जाता है, देखभाल करने वाला आ जाता है और वह उन्हें ऑब्जर्व करता है। ग्रैंडफादर उसे पहचान लेते हैं कि एज द कीपर हु हैड बीन देयर, जो वहाँ है वह उस समय भी मौजूद था, उस समय भी उपस्थित था जब टिमोथी हैड फर्स्ट केम टू द जू, जब टिमोथी पहली बार जू में आया था। यू रिमेंबर भी वो उसे पूछता है कि आपको मेरी याद है, आप मुझे जानते हैं, नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफ़र टिमोथीज टू अनदर केज, आप टिमोथी को दूसरी केज में क्यों ट्रांसफ़र नहीं कर देते यहाँ से, ये स्टूपिड जो लेपर्ड है यहाँ इसको परेशान करता है। बट सर स्टैम्बर्ड द कीपर, कीपर जो है वो लड़खड़ा कर बोलता है, इट इज़ नॉट यूअर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है। जो दादाजी कहते हैं आई नो ग्रैंडफादर ने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि ये ज़्यादा समय तक मेरा नहीं है, बट यू माइट एट लीस्ट, लेकिन आप एक सजेशन तो मुझे, एक या दो सजेशन तो आप ले सकते हैं। अब दादाजी सोचते हैं कि भाई मैंने ये टाइगर यहाँ दे दिया है, इसलिए जो कीपर है वो कह रहा है कि ये टाइगर आपका नहीं है। बट उसके बाद जो है दोबारा से कीपर उसे कहता है कि आई रिमेंबर यूर टाइगर वेरी वेल, आपके टाइगर को मैं बहुत अच्छे से याद है, मुझे जानता हूँ, ही डाइड 2 मंथ्स अगो, वह जो है 2 महीने पहले मर गया था। तो दादाजी जो हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यस सर, ऑफ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया की वजह से वो मर गया है। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द, इस टाइगर को तो हिल्स के अंदर से लास्ट मंथ, पिछले महीने ही पकड़ा गया है, और यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ग्रैंड फादर कुड नॉट थिंक ऑफ, मीन्स कुछ भी वो सोच नहीं पा रहे थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे, कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। टाइगर जो है वो स्टिल लीकिंग कर रहा है, उसकी बाजू को अभी भी जो लीक कर रहा है, और बहुत ही उसका जो रैलिस है, स्वाद है, वो बढ़ रहा है, मीन्स वो उसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसके हाथ को, जो टाइगर है वो दादाजी के हाथ को नहीं छोड़ रहा है। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज, कि इस जो है इस टू विड्रॉ हिज हैंड, मीन्स उसे ये लगा कि वहाँ से हैंड को विड्रॉ करना, केज में से हैंड को विड्रॉ करने में दादाजी को बहुत सारे साल लग गए हों, एज लग गई हो, तो उस समय इट मीन्स वो इस चीज़ को स्वीकार करने, इस बात को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है कि उसकी डेथ हो गई है। With his face near the tiger, उसका जो फेस है near the tiger, he mumbled, टाइगर के पास जाकर वह बुड़बुड़ाता है, गुड नाइट टिमोथी, टिमोथी को गुड नाइट करता है, एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक, और कीपर को जो है एक घृणा भरी दृष्टि से देखता है और बहुत ही जल्दी से जू से बाहर निकल जाता है। यहाँ हमारे राइटर हैं बेटा रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के दादाजी का ये पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, और जो रस्किन बॉन्ड ने रियलाइज किया है। And this was very interesting story. I hope you understood everything. Now you read this chapter. Thank you.